एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चले करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसटीपी स्ट्रेटजी को पढ़ा था। क्या पढ़ा था जी? स्टेप एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग को। बेसिकली दो स्टेप फॉर्मूला होते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के, है ना। मार्केटर जब निकलता है तो भाई साहब पहले एसटीपी करता है और फिर जब शुरुआत करता है एसटीपी के बाद तो वो मार्केटिंग मिक्स पे ध्यान देता है। और मार्केटिंग मिक्स का जो पहला चीज है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला चीज क्या है जी? वो है प्रोडक्ट डिसीजन। तो प्रोडक्ट होता क्या है, है ना, प्रोडक्ट के लेवल्स क्या हैं और क्लासिफिकेशन क्या है प्रोडक्ट, आज हम इसकी चर्चा करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर प्रोडक्ट मिक्स को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्या प्रोडक्ट डिसीजन। चलेगा जी, तो क्या होता है प्रोडक्ट बताएंगे। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं सर? एनीथिंग, कोई मतलब सर एनीथिंग बोल रहे हैं क्या है? एनीथिंग बोल देने से काम बन जाएगा सर? एनीथिंग दैट इज नीड और सेटिस्फाई द कस्टमर्स ऑफ नीड, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। द नीड एंड एनीथिंग द नीड ऑफ कस्टमर इज कॉल्ड प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है? जो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर दे। सर पेन सेटिस्फाई कर रहा है कस्टमर का नीड, है क्या प्रोडक्ट। सर फोन कस्टमर का नीड सेटिस्फाई कर रहा है प्रोडक्ट। सर रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर आता है हमको सर्विस देता है, प्रोडक्ट कर रहा है सर वो सर्विस। सर लिटिल लिटिल लेते हैं तो कस्टमर का नीड को सेटिस्फाई कर रहा सर है प्रोडक्ट। एनीथिंग विच इज सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। आई तो ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन। आइए अब हम चलते हैं और समझते हैं कि प्रोडक्ट डिसीजन होता क्या है। चलेगा जी, उसके बाद क्या कह रहा है, इन टुडेज वर्ल्ड मार्केटिंग हैज बिकम इंडिस्पेंसेबल एक्टिविटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बस बोल रहा है आज के दौर में मार्केटिंग क्या हो चुका है, इंडिस्पेंसेबल एक्टिविटी हो चुकी है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और कह रहा है टू क्रिएट एन एज ओवर कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स के बीच में एज क्रिएट करने के लिए इट्स नेसेसरी टू यूज मार्केटिंग एज अ टूल। तो भाई साहब आपको मार्केटिंग का यूज करना बहुत जरूरी हो चुका है एक टूल की तरह, कहां कॉम्पिटिटर्स के बीच में। कह रहा है एनी मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स विद अ वन क्वेश्चन, व्हाट आर वी गोइंग टू सेल। कोई भी मार्केटिंग है ना, हम पहला सवाल यही करते हैं कि भाई साहब आप बेचने क्या वाले हो या बेचने क्या जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि डिपेंड सबसे बड़ा यही करता है कि आप बेचने क्या जा रहे हो। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया रहा, एकदम फंटेस्टिक रहा, कस्टमर का नीड को सेटिस्फाई कर दिया, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या सर? इसको बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है ना, और ये बेस्ट प्रोडक्ट है। कह रहा है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी अ प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं या एनी आइडिया दैट मार्केटर वॉन्ट्स टू सेल, या फिर कोई आइडिया जो मार्केटर्स बेचना चाह रहा है। तो हम क्या, सवाल क्या था कि क्या हम लोग बेचने जा रहे हैं, क्वेश्चन था ना क्या बेचने जा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, या तो कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई भी ऐसा आइडिया जो मार्केटर बेचना चाह रहा है। बात समझ में आ गई जी सर? अब चलिए, सो इट कैन बी सेड दैट द प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो बोल रहा है भाई साहब मार्केटिंग के होने का बस एग्जिस्टेंस, मार्केटिंग के एग्जिस्ट करने का क्या रीजन है, प्रोडक्ट आइडिया और सर्विस बस। कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज वर्क्स ऑन आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इस आइडिया पे काम करता है कि हम कैसे सॉल्यूशन करें किसी भी प्रॉब्लम का। कह रहा है फॉर एग्जांपल सपोज अ स्टूडेंट वांट्स टू गो फॉर द हायर स्टडीज इन अब्रॉड बट डोंट नो हाउ टू अप्लाई फॉर द हायर एजुकेशन इन द फॉरेन कंट्री, देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम कैन बी सर्विसेज टू कंसल्टेंसी फॉर्म्स। तो ये बेसिक चीज है। इसमें तो क्या है कि भैया बोला भाई साहब एक स्टूडेंट जो है वो चाह रहा है कि हम जाके फॉरेन में पढ़ाई करें, लेकिन उसको आइडिया नहीं है कि फॉरेन में पढ़ाई कैसे करते हैं, कैसे उसमें एडमिशन लेना है। तो उसके लिए क्या यूज सॉल्यूशन हो सकता है कि एक कंसल्टेंसी फॉर्म हो जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा ही होता है ना। जैसे अगर किसी को बात करने में दिक्कत हुई, जैसे फोन आ गया था, लाइट्स की प्रॉब्लम आई, मतलब रात में अंधेरा होने लगा, बहुत सारी दिक्कत है, तो किसी ने बल्ब का इजाद किया, कैमरा, बहुत सारे लोग पहले वो कैमरा ऐसा नहीं आता था, वो एक होता था ना रील वाला कैमरा, वो यूज करते थे, लेकिन देखो तो उसने प्रॉब्लम वहां पे फेस किया,
ऐसा फोन आ गया भाई साहब, आप फोटोज अपने हाथ में रखो, जब चाहो तब निकलवा लो। अब तो कोई रखता कोई फोटो निकलवाता भी बहुत कम है ना। तो ऐसा चीज है, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या ना, दैट इज योर प्रोडक्ट। देखिए क्या है, इन दिस केस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सेलिंग एनी टेंजिबल कमोडिटी बट प्रोवाइडिंग इनटेंजिबल सर्विसेज। बोल रहा है अगर कोई एक ऐसा केस हो जहां ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है तो वो कोई ना कोई सर्विसेज दे रहा होगा। कह रहा है प्रोडक्ट इज अ वाइडर टर्म, प्रोडक्ट क्या है, एक वाइडर टर्म है, इट कैन बी एनीथिंग दैट इज टेंजिबल, चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, ड्यूरेबल हो, नॉन ड्यूरेबल हो, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक टेलीविजन, इंश्योरेंस, एग, फ्लोर, सो मेनी प्रोडक्ट्स आर मार्केटेड बाय द मार्केटर्स। प्रोडक्ट इज समथिंग दैट हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई एनी अनसेटिस्फाइड नीड, जो अनसेटिस्फाइड नीड को सेटिस्फाई कर दे तो वो सारा चीज, वो सारा चीज क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये बोला भाई साहब प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल, मतलब इसको छू भी सकते हैं, किसी को छू नहीं भी सकते हैं। अब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, छू सकते हैं क्या उसको हम, नहीं, लेकिन प्रोडक्ट तो है ना। हाँ उसी तरह से टेलीविजन, इसको तो देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, अंडा आटा पता नहीं कितने दुनिया में सब कुछ जो आपके आसपास दिख रही है वो क्या है, प्रोडक्ट है, जो आप खरीद रहे हो, जो आप बेच रहे हो, है ना, वो क्या है, प्रोडक्ट है। चलिए अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखिएगा, कह रहा है प्रोडक्ट इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मेन कॉम्पोनेंट क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है। कह रहा है प्रोडक्ट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई कम्युनिटी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, एटसी। कह रहा है कंज्यूमर परचेज डिफरेंट प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द डिफरेंट नीड्स, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग चीज खरीदते हैं। जैसे अब हमको कहीं भूख लगी तो हम पिज्जा जाके खा लिए, किसी को वेज पिज्जा पसंद है, किसी को नॉन वेज पिज्जा पसंद है ना, पिज्जा सुन के तो मेरे क्या, छोड़ो, इग्नोर करो। कह रहा देयरफॉर द प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, तो बोला प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स एंड प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन। यही तो मैंने शुरू से बोला, एनीथिंग नीड सेटिस्फेक्शन तोड़ तोड़ के, है ना। चलो कह रहा एवरी प्रोडक्ट कम्स विद अ बंडल ऑफ डिफरेंट फीचर्स with the intention to provide satisfaction to the consumer. पूरा हर प्रोडक्ट जो आता है, जो बन के आता है, वो बहुत सारे अलग अलग फीचर्स लेके आता है, और वो फीचर्स क्या करता है, फीचर्स का इंटेंशन क्या होता है कि भाई साहब जो कंज्यूमर है उसको हम सेटिस्फेक्शन दें, मैक्स टू मैक्स उसके नीड को फुलफिल करें, यही बात है। अब मैं ये फोन क्या दिखा रहा है भाई साहब, फोन अच्छा लगा मेरे को, मेरे नीड को सेटिस्फाई किया, कैमरा अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी, मैंने इसको परचेज कर लिया, दैट इज द प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है जी सर, कह रहा है इट इज ऑफर्ड बाय द मार्केटिंग फॉर सेल इन द मार्केट, क्या कह रहा है, ऑफर्ड किया जा रहा है मार्केटर के द्वारा सेल करने के लिए, है ना, मार्केट में। अब देखिए फिलिप कोटलर बहुत बड़े मतलब मार्केटिंग के, अच्छा मार्केटिंग में इनका अच्छा नाम है, बहुत बड़े राइटर है, क्या कह रहे हैं ये देखिए, कह रहा है प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर ऑल्टरेशन यूज और कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई अ नीड और वांट्स। तो ये भी बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट वो कुछ भी है, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है जो मार्केट में यूज के लिए हो, कंजम्पशन के लिए हो, और जो कस्टमर के नीड और वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कह रहा है इट इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट, सर्विस, पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और आइडियाज, कुछ भी, एनी थिंग्स। आप प्लेस को बेच सकते हो, पर्सन को बेच सकते हो, है ना, प्लेस को कैसे बेच सकते हैं सर, आइए हमारे गुजरात में, आइए हमारे झारखंड में, है ना, क्या है प्रमोशन ऑफ प्लेस, तो इसको भी बेच रहा है लोग, है ना। तो वो कह रहा है, सो कह रहा है प्रोडक्ट इज अ टर्म दैट कैन बी यूज फॉर द टेंजिबल प्रोडक्ट, इंटेंजिबल सर्विसेज, पर्सन, प्लेस और साइमल्टेनियसली, मतलब प्रोडक्ट एक वाइड टर्म है जो सबके लिए यूज कर सकते हैं। सर्विस भी कोई ले रहे हैं तो हम कह रहे हैं अपना एक प्रोडक्ट है जो हम बेच रहे हैं, तो बेसिकली प्रोडक्ट टर्म एक वाइड टर्म है जो इन सब के लिए यूज किया जाता है। बात समझ में आई जी सर। अब प्रोडक्ट के ना लेयर्स होते हैं या लेवल बोल सकते हैं कि भाई कितने लेयर्स में प्रोडक्ट होता है, तो पांच लेयर होते हैं, कोर, बेसिक, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटिंग और पोटेंशियल। ये पांच लेवल होते हैं प्रोडक्ट के, आइए एक एक करके समझते हैं। देखिएगा जी, कोर प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को कहा जाता है ना जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आप किसी बाहर तो घूमने के लिए जाते ही होगे, बहुत सर नालायक हैं हम, बहुत घूमते रहते हैं, और अच्छी बात है घूमना भी चाहिए। तो जब घूमने के लिए जाते हो तो किसी होटल में स्टे करते हो, हाँ सर करते हैं, तो जब आप वहां स्टे करते हो तो जो आप पेमेंट कर रहे हो किसके लिए पे कर रहे हो, रूम के लिए पे कर रहे हो, तो जो रूम के लिए पे कर रहे हो वो रूम जो मिल गया, बेड के लिए पे कर रहे हो, वहां जो सोने के लिए वो जो मिल गया, दैट इज कॉल्ड कोर प्रोडक्ट।
अब बेसिक में क्या आता है, बेसिक में उसकी नेसेसिटीज आती है, रूम में लाइट हो, है ना, रूम अच्छे तरीके से हो, ये हो, ठीक है, ये उसकी हो गई बेसिक। एक्सपेक्टेड क्या होता है कि रूम में जो पंखा वो चल रहा हो, है ना, पंखा चल रहा हो, साफ सुथरा हो, ये एक्सपेक्टेड होता है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बोलते हैं कि होटल में जब आप बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, कहा जाता है इसको कि वाईफाई फैसिलिटी दे दिया गया हो होटल में, ये होता है आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। और पोटेंशियल प्रोडक्ट कहते हैं, और इसी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो फीडबैक, कि आपने होटल, आपको होटल कैसा लगा, सर्विसेज कैसी लगी, वो सारे जो उसको बोलते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट। आइए ये एक मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया, आगे और भी एग्जांपल्स इसको देख के अच्छे से समझते हैं। आइएगा जी, तो कह रहा है एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, पहले क्या एक्सप्लेन किया गया, प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ डिफरेंट फीचर्स, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग फीचर्स को ही तो प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट के अलग अलग क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। कह रहा है ईच एंड एवरी फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट कम्स एट अ डिफरेंट लेयर ऑफ प्रोडक्ट, और हर प्रोडक्ट जो है और उसका फीचर जो है आपका क्या आता है, अलग अलग लेयर्स के साथ आता है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। कह रहा है ईच लेयर ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड डिफरेंट बेनिफिट टू दी कस्टमर, और हर लेयर जो है कस्टमर को अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट ए प्रोडक्ट नॉर्मली कंप्रोमाइज ऑफ फाइव लेयर्स नेमली, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट नॉर्मली कितने लेवल का होता है, भाई पांच, कौन कौन सा, कोर, बेसिक, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड और पोटेंशियल, ठीक है जी सर। कह रहा है फाइव लेयर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर लाइक अ लैडर, किसकी तरह है, फाइव लेयर्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक अ लैडर, मतलब बेसिकली सबसे पहले बेसिक कोर, फिर बेसिक, फिर एक्सपेक्टेड, फिर ऑगमेंटेड, फिर ये देखो चढ़ रहा है ना, कोर, बेसिक, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड और पोटेंशियल, है ना, तो इसीलिए इसको लैडर कहा, सीढ़ी की तरफ। कह रहा है ईच एंड एवरी सक्सेसिव स्टेप एड्स सम एक्स्ट्रा फीचर टू द प्रोडक्ट्स and its add value to the product. तो मैंने example लेते गया, मैंने होटल का example लिया, सोचो मैंने क्या बोला, कोर प्रोडक्ट क्या है जिसके लिए आप पे कर रहे हो, रूम एंड बेड, है ना जी। बेसिक प्रोडक्ट उसके साथ जो बेसिक चीजें होनी चाहिए, क्या क्या, फैन, टेबल, है ना, आपके पास पंखा, लाइट्स, ये सब बेसिक चीज जी, बिल्कुल। फिर एक्सपेक्टेड क्या रखेंगे सर, एक्सपेक्ट रखेंगे साफ सुथरा हो थोड़ा, है ना, रूम की सफाई हो, बाथरूम की सफाई हो, तो ये सारा एक्सपेक्टेड होना चाहिए प्रोडक्ट, टॉवेल साफ मिल जाए, है ना, साबुन वगैरह मिल जाए, ये चीज। ऑगमेंटेड में मैंने बोला क्या, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, मतलब वाईफाई की फैसिलिटी मिल जाए, आ हा हा हा, नहाने के बाद आराम से भाई होटल में बैठ के, वो ये करूँ। और पोटेंशियल हो गया जो फाइनली हम लोग फीडबैक देते हैं, है ना, कि वो रूम की सर्विस कैसे थी, क्या थी, कैसे है, ठीक है ना, वो सारा चीज। तो आइए इस फाइव लेयर की बात करते हैं। कह रहा सो दीज फाइव लेयर्स ऑफ ए प्रोडक्ट कैन बी कॉल्ड कस्टमर वैल्यू हायरार्की, क्या बोल सकते हैं इसको, कस्टमर वैल्यू हायरार्की। आइए तो सबसे पहले कोर प्रोडक्ट की बात कर ले, आइए सर करते हैं कोर प्रोडक्ट की बात। क्या कह रहा है, कोर प्रोडक्ट रेफर्स टू प्राइमरी बेनिफिट, किसके लिए जी, प्राइमरी बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट जो है, जो मैंने बोला था कोर प्रोडक्ट के लिए, इसके लिए आप पे कर रहे हो, या फिर सर्विस और फीचर फॉर विच कंज्यूमर इज एक्चुअली बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देख लो मैंने बोला ना कि कोर प्रोडक्ट का मतलब जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब बाय कर रहे हो, बाय तो एक ही बात तो एक ही है जी सर। क्या बोला, कोर प्रोडक्ट क्या होता है कि प्राइमरी बेनिफिट हो, सर्विस हो या फीचर हो, जिसको आप एक्चुअली में बाय कर रहे हो, बात समझ। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गोज टू द मार्केट टू बाय अ मोबाइल फोन, अगर वो मोबाइल फोन परचेज करने के लिए जाता है तो मेन पर्पस क्या होता है, कोर बेनिफिट ऑफ ए मोबाइल क्या है, कम्युनिकेशन, बिल्कुल बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदे हैं, लेकिन व्हाट्सएप चैटे, है ना, चैट नहीं, चैटे होती है आजकल। कह रहा प्राइमरी रीजन बिहाइंड बाइंग डिसीजन ऑफ ए मोबाइल फोन इज टू हैव अ कम्युनिकेशन डिवाइस थ्रू विच द बायर विल फील क्लोजर टू हिज और हर डियर वंस एंड विल बी कनेक्टेड टू देम ऑल द टाइम्स। तो बोल रहा है प्राइमरी या इसका बेसिक क्या होगा मोबाइल फोन खरीदने जाने का रीजन, कि भाई साहब बातचीत करना होगा, उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, आसपास हैं, गर्लफ्रेंडा हैं, बॉयफ्रेंडा हैं, फ्रेंड नहीं होता है, फ्रेंडा होता है, है ना, तो वो उसके साथ आप क्या कर सको, बातचीत कर सको, बात समझ में आई। तो इसका कोर प्रोडक्ट क्या हो गया कि कम्युनिकेशन करने के लिए हमें फोन खरीदना है। अब आइए बेसिक प्रोडक्ट में, कह रहा है द सेकंड लेयर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज बेसिक प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशनल फीचर्स और बेनिफिट्स दैट ए कंज्यूमर वांट्स इन अ प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड जेनेरिक और एक्चुअल प्रोडक्ट
ऑल्सो। तो भाई साहब जो बेसिक प्रोडक्ट को एक्चुअल जेनरिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, बोल रहा भाई साहब सेकंड लेयर है ये। पहला लेयर क्या था? कम्युनिकेशन के लिए लेना है। सेकंड लेयर क्या बोला? कि एडिशनल फीचर जो उसके साथ होते हैं ना, बेनिफिट जो कंज्यूमर लेना चाहता है उसके लिए, उसको बोलते हैं क्या? एक्चुअल प्रोडक्ट। कह रहा है इफ इन केस ऑफ मोबाइल बेसिक प्रोडक्ट कैन बी द नोकिया सैमसंग एलजी मैक्रोमैक्स क्वालिटी एंड फीचर्स लाइक साइज स्लाइडिंग फ्लिप ओपन दैट कंज्यूमर माइट बी लुकिंग फॉर। तो सबसे पहले क्या हो गया बेसिक प्रोडक्ट का? तो बोला भाई साहब इसमें क्या क्या हो गया, क्वालिटी हो गया, फीचर्स हो गए कि भाई कौन सा ब्रांड का लेना है, वो सब चीज देखना है, तो ये बेसिक प्रोडक्ट हो गया। कह रहा सपोज ए पर्सन वांट टू परचेज मोबाइल एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, क्या बोल रहा है? एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ही लुक्स फॉर अ सर्टेन फीचर्स लाइक व्हाट इज द ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोर में क्या था, हम कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल खरीदना चाह रहे थे, लेकिन जब हम बेसिक की बात आ गए तो हम देखेंगे कौन सा ब्रांड का ले रहे हैं, फिर व्हाट इज द साइज ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन का साइज क्या है, छोटा बड़ा, ठीक है, व्हाट इज द 3G और नॉट 3G, 4G, 5G है कि नहीं है, ठीक है, मेनी मोर अदर फीचर्स, और फिर उसके बहुत सारे फीचर्स भी हम चेक करते हैं। तो ये हो गया बेसिक का पार्ट। सो डिफरेंट फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी ETC कॉन्स्टिट्यूट बेसिक लेयर ऑफ प्रोडक्ट। सो द बेसिक बेनिफिट ऑफ मोबाइल क्या है? फीचर्स, क्वालिटी, ब्रांड, पैकेजिंग, ETC। तो ये क्या हो गया, पहले कोर में क्या था, कम्युनिकेशन करने के लिए फोन खरीद रहे थे, पर यहाँ देख लो बेसिक बेनिफिट क्या हो गया, फीचर्स, क्वालिटी, ब्रांड, पैकेजिंग। बात समझ में आई? तो कोर के बाद बेसिक। अब आ जाइए एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड इसके साथ क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है एट द थर्ड लेयर द मार्केटर स्टार्ट्स टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द बेसिक एक्सपेक्टेशन दैट अ कंज्यूमर मस्ट बी हैविंग एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ प्रोडक्ट। तो बोल रहा भाई साहब ये थर्ड लेयर है, और एक्सपेक्टेड जैसा नाम ही है एक्सपेक्टेड, तो कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कस्टमर की, भाई साहब इसके साथ तो ये होगा ही होगा, है ना, जैसे अब पिज्जा वाले में जा रहे हो, ठीक है, पिज्जा खाने के लिए, तो उसके साथ वो मसाला जो ऊपर से देता है ना, पेपर और भी बहुत सारी चीजें, तो वो तो होगा ही ना, ये तो एक्सपेक्टेशन में ही आ गया जी, बिल्कुल। तो उसी तरीके से जब फोन लेने जा रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन है, वो चीज देखिए क्या एक्सपेक्टेशन होता है। कह रहा है एक्सपेक्टेड लेयर इंक्लूड्स द मिनिमम एक्सपेक्टेड फीचर्स इन अ प्रोडक्ट दैट आर रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो बोल रहा है भाई साहब कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में मिनिमम वैसा एक्सपेक्टेड फीचर्स जरूर होना चाहिए जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। तो क्या है, कह रहा है इन कंटिन्यूएशन विद द सेम एग्जांपल, अगर मैं फोन वाला ही एग्जांपल की बात करूं जो अभी उसने बंदा ने खरीदा है, तो अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स ए मोबाइल फोन टू बी गुड लुकिंग। बिल्कुल सही बात है कि अगर वो फोन खरीदने जाएगा तो देखेगा कि अच्छा लुक दे रहा है कि नहीं, वेट, लाइट इन वेट, कलर डिस्प्ले, इजी टू ऑपरेट, गुड बैटरी बैकअप, ये सब, ये सारा क्या है, एक्सपेक्टेड फीचर्स है, ये होना ही चाहिए। तो देख लीजिए इसके इसके लिए एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट क्या हुआ, तो एक्सपेक्टेड के लिए लुक, वेट, बैटरी बैकअप, टच स्क्रीन, ये क्या हो गया सर, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो गया। कोर, बेसिक, एक्सपेक्टेड में आ जाइए। अब आ जाइए ऑगमेंटेड में, प्रोडक्ट में। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बियॉन्ड हो, थोड़ा अच्छा निकल जाए। देखिए क्या क्या कह रहा है, मार्केटर प्रोवाइड्स एडिशनल बेनिफिट्स और फीचर्स इन ए प्रोडक्ट टू कंज्यूमर टू अचीव कॉम्पिटेटिव एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। मतलब सिंपल सा बेनिफिट है कि अगर सब मान लो 50 तरीके के फोन है, अब उस 50 तरीके के फोन में भी आप भी वैसा ही फोन दोगे तो आपसे और आपका कॉम्पिटिटर से आपका डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाओगे, अलग कैसे कर पाओगे कि मेरा मेरे में तो ये फीचर्स है। तो कुछ ऐसे एडिशनल फीचर जो किसी अदर फोन में ना हो, आप में हो, जो आपको कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट करे, उसको बोलते हैं क्या, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या रहा है, दिस एडिशनल फीचर्स आर समटाइम्स बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर और मे नॉट बी प्रोवाइडेड बाय अदर कॉम्पिटिटर्स। देख लो, तो बोल रहा है ये क्या है, ये बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन वाली चीजें हैं, या कोई भी इसका कॉम्पिटिटर है ना वो नहीं दे रहा है। क्या मोबाइल फोन विद हाई मेगा पिक्सल कैमरा एट लो कॉस्ट, some pre-already downloaded Android applications or pre-loaded editing softwares may be the attractive additional features for mobile phones. Augmented benefits of mobile क्या है इसमें, voice dialing दे दे, pre-loaded software दे दे, free application दे दे। तो मतलब जो beyond expectations हो, है ना, जैसे अभी मान लो आपके फोन में, अब आप जब भी फोन लोगे ना उसमें सब इंस्टॉल्ड रहता है ऑलरेडी, कोई दिक्कत कहीं नहीं, फेसबुक, इंस्टा, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या सब रहता है, और सॉफ्टवेयर भी रहते हैं, वॉइस डायलिंग रहता है, तो ये ऐसा एडिशनल फीचर्स जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। बात समझ भाई? जी सर। अब उसके बाद क्या है, पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए कहता है लास्ट लेयर ऑफ द प्रोडक्ट इज द पोटेंशियल प्रोडक्ट। सबसे लास्ट लेयर क्या है, पोटेंशियल प्रोडक्ट है। कह रहा है इंक्लूड्स ऑल द ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट मे अकर इन फ्यूचर। तो बोल रहा है वो सारे ऑगमेंटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन जो फ्यूचर में अकर कर सकते हैं वो इसके साथ आता है। कह रहा है प्रोडक्ट पोटेंशियल प्रोडक्ट कॉल्स फॉर द न्यू इनोवेटिव वेज टू डिलाइट
कस्टमर्स। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या हुआ कि नए इनोवेटिव तरीके से आपको क्या करता है, वेज ढूंढता है कि भाई अपने जो डिलाइट कस्टमर्स को नया तरीका से कैसे हम इसको सही रख पाए। तो ये क्या था, ये प्रोडक्ट के 5 लेवल्स थे और ये लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए इस चार्ट के थ्रू थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आइए, आपको दिख रहा होगा चार्ट। जी सर। तो सबसे पहला क्या है, कोर प्रोडक्ट है ना। कोर प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है दिस रेफर्स टू द बेसिक प्रोडक्ट, हियर द फोकस इज ऑन द पर्पस व्हिच इज द प्रोडक्ट इज इंटेंडेड। लाइन ध्यान रखिएगा, द पर्पस फॉर व्हिच द प्रोडक्ट इज इंटेंडेड, जिसके लिए प्रोडक्ट खरीदा गया है वही इंटेंड कर रहा है। जेनेरिक या इसको बेसिक प्रोडक्ट कहते हैं, कह रहा है दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। और एक्सपेक्टेड कह रहा है दिस रेफर्स टू ऑल द बेनिफिट्स कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स टू गेट व्हेन द परचेज प्रोडक्ट, जब कोई कंज्यूमर कोई भी चीज परचेज करता है तो उसके साथ वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई वो तो उसके साथ मिलेगा ही मिलेगा। आप जैसे के लिए फोन लेने गए तो एक्सपेक्ट करोगे ना भाई चार्जर मिलेगा, ऐसे थोड़ी बोला फोन ले जाओ बात खत्म बाय बाय टाटा ओके, ऐसा नहीं होगा। तो जो फोन करोगे तो उसके साथ एक्सपेक्ट करोगे भाई चार्जर तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज गुड। उसके बाद है ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, कि भाई साहब दिस रेफर्स टू ऑल द एडिशनल फैक्टर्स विच सेट द प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिशन, दैट इज द ब्रांड आइडेंटिटी एंड इमेज। तो बोल रहा है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब देखो क्या हो गया है ना, कि अब ईयरफोन्स आने बंद हो गए, बंद हो गया किसी फोन के साथ, पहले आते थे। तो अब क्या करें, फिर से कोई कंपनी सोचे और फिर ईयरबड्स देना चालू कर दे फोन के साथ में, क्या हो जाएगा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो जाएगी ना, नई चीजें हो जाएगी कि ईयरबड अब फोन के साथ मिलने लग गया, वाओ कितना बढ़िया, अभी तक तो किसी ने अपनाया नहीं है, लेकिन ये अपनाया जाए तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वाली चीजें, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। और फाइनली पोटेंशियल प्रोडक्ट है। तो पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या हो गया, कह रहा है दिस रेफर्स टू ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट द प्रोडक्ट मे अंडरगो इन द फ्यूचर। तो बोल रहा है भाई साहब वो प्रोडक्ट जो फ्यूचर में उनको अच्छे दे सकते हैं, डिलाइट कस्टमर की ओर लेके जा सकता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट, मतलब फीडबैक समझ लो ओवरऑल। चलिए, तो ये भी वही चीज कह रहा है कि कोर बेनिफिट जनरल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड और पोटेंशियल, पढ़ लीजिएगा इसको, बेसिक चीजें कह रहा है फंडामेंटल नीड वांट दैट कंज्यूमर इज सेटिस्फाइंग द नीड, जेनरिक प्रोडक्ट में बेसिक फीचर्स और एक्सपेक्टेड में जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो जो बायर एक्सपेक्ट करता है, ऑगमेंटेड में है एडिशनल फीचर्स से जो आपको डिफरेंशिएट करता है अदर मार्केटर से, और पोटेंशियल प्रोडक्ट बोल रहा है ऑल द ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आई? जी सर। तो ये पॉटलर्स के 5 मॉडल 5 प्रोडक्ट लेवल्स ये भी हैं और ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर दिया। आइए जी, अब जो नेक्स्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, आइए देखते हैं इसको एक एक करके समझते हैं, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए चलिए जी, कह रहा मार्केटर्स आर रिक्वायर्ड टू प्लान मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सभी टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ेगी। कह रहा है टू डिजाइन मार्केटिंग प्लान efficiently and effectively it is necessary to understand the product belongs to the different categories and each category requires different plan। ये भी बात बिल्कुल सही है कि marketing plan को design करने के लिए ताकि वो efficient और effective हो, ये बहुत जरूरी है समझना कि product कैसा है, कि कौन से category से product हो सकता है। तो इसको अगर आप समझेंगे तभी जाके आपकी क्या होगी product, ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, कह रहा देयर कैन बी 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, 3 बेस हो सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के, एक है ड्यूरेबिलिटी के बेस पर, एक है यूजर्स के बेस पर, एक है विजिबिलिटी के बेस पर। अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी के बेस पर तो होता है ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, ड्यूरेबल मतलब ज्यादा देर चलने वाला, नॉन ड्यूरेबल मतलब जल्दी खत्म हो जाने वाला, जैसे फल वल होते हैं ना, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर मतलब यूजर्स, तो एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स में शॉपिंग गुड्स वगैरह आते हैं, नॉर्मल गुड्स आते हैं, कन्वीनियंस गुड्स आते हैं ना, पढ़ेंगे अभी आगे हम लोग। और इंडस्ट्रियल गुड में रॉ मटेरियल ये सब ये सारे चीज आते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी, जिसको बोलते हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल गुड्स, जो हमको दिखता है और जो नहीं दिखता है, बात खत्म, सिंपल एज सिंपल एज दैट। हाँ जी, आइए एक एक करके थोड़ी थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आइए देखते हैं क्या ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है। कह रहा है गुड्स दैट कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दैट कैन सर्वाइव मेनी यूजेस आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल टीवी, एकदम सिंपल सा ड्यूरेबल मतलब लंबा चलने वाला गुड्स, ऐसा गुड्स जो बहुत लंबा चलेगा, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, क्लॉथ्स है ना, ये लंबा चलने वाले गुड्स हैं, तो इसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या हो गया, जो बहुत कम चलेंगे, फल, सब्जी, नमक, आटा, चावल, ये सब है ना,
ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, कह रहा है गुड्स दैट कैन बी यूज फॉर द शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम और आर ऑफ पेरिशेबल नेचर कैन सर्वाइव फ्यू यूजेस आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड बटर है ना, ये सारे सब। अब विजिबिलिटी के बेस पर आप देखिए दो तरीके की, कौन कौन कह रहा है ऑन द बेस ऑफ टेंजिबिलिटी और ऑफ ए प्रोडक्ट क्लासिफाइड इनटू टू, विजिबिलिटी होना चाहिए, टेंजिबिलिटी नहीं, सॉरी इसको विजिबिलिटी कर लीजिएगा है ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स, ठीक है या टेंजिबिलिटी भी चल सकता है। कह रहा है टेंजिबल गुड्स क्या है, टेंजिबल गुड्स जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, प्रोडक्ट्स दैट कैन बी सीन फेल्ट आर कॉल्ड टेंजिबल गुड्स, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन कंप्यूटर वट एवर, जो कुछ भी हम छू सकते हैं सब कुछ। इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स दैट कैन कांट बी सीन एंड कैन ओनली बी द फेल्ट आर कॉल्ड इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विसेज इंश्योरेंस, ठीक है। तो जो भी सारी सर्विसेज है वो हमको दिखती हैं, छू नहीं सकते हम। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब छूओ कैसे, ठीक है। तो ये सर्विसेज आप फील कर सकते हो बस और कुछ नहीं, तो इसको टेंजिबल और इंटेंजिबल गुड्स। अब है यूजर के बेस पर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा ऑन द बेस ऑफ यूजर्स द प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज है ना, हाँ जी सर, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स, बात समझ में आई। अब देखिएगा कंज्यूमर गुड्स क्या हो रहा है, जो कंज्यूम कर रहे, देखो कह रहा है कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स कंज्यूम्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स, तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हुआ जो फाइनली कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपने नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, फाइनली कंज्यूम कर रहा है। और इंडस्ट्रियल गुड्स क्या हुआ, आर बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स यूज किया जा रहा है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स, जैसे रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल वो सारे क्या हो गए आपके इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए। कह रहा है एज द नेम्स डिस्क्राइब द कंज्यूमर गुड्स आर यूज बाय द कंज्यूमर्स एंड द इंडस्ट्रियल गुड्स आर यूज बाय द इंडस्ट्री, तो कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर यूज करता है और इंडस्ट्रियल गुड्स इंडस्ट्री यूज करती है। सो द कंज्यूमर गुड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, देखिए कंज्यूमर गुड्स को चार कैटेगरी में बांटा गया, और भाई साहब ये जो चार गुड्स है ना हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कन्वीनियंस गुड्स, अब देखिए क्या हो गया कन्वीनियंस गुड्स, ऐसा गुड्स जो आपको इजिली अवेलेबल हो जाए, ऐसा गुड्स जो आपको इजिली अवेलेबल हो जाए उसको क्या बोलते हैं कन्वीनियंस गुड्स, जैसे सर टमाटर आलू नमक तेल हल्दी मसाला टूथपेस्ट, ये सारी चीजें आपको क्या है सर, ये सारा कन्वीनियंस गुड्स में आता है ना, जो इजिली अवेलेबल। कह रहा है कन्वीनियंस गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर परचेज विद अ मिनिमम एफर्ट्स, कोई एफर्ट लगाना पड़ा नमक लेने के लिए क्या एफर्ट लगाना भाई, फ्रीक्वेंटली एंड फॉर द इमीडिएट कंजम्पशन, इमीडिएट कंजम्पशन हो उसके लिए हम क्या उसको बोलते हैं कन्वीनियंस गुड्स, सॉप शैम्पू टूथपेस्ट एंड मैचस्टिक है ना जी। शॉपिंग गुड्स बोलते हैं थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा प्राइस देखते हैं, क्वालिटी फीचर्स। शॉपिंग गुड्स याद रखना जो कपड़ा वपड़ा शॉपिंग करने जाते हो ना मॉल वॉल में उसको बोलते हैं, बस इतना याद रखना। कह रहा है गुड्स फॉर विच द कंज्यूमर विल मेक सर्टेन एफर्ट्स, कुछ एफर्ट लगाएंगे एंड स्पेंड टाइम इन द कंपेयरिंग प्राइस, प्राइस को कंपेयर करने में टाइम लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि प्राइस को कंपेयर करते हैं कि भाई उस मॉल में उतना मिल जा रहा था, वो यहां मिल रहा था इतना में, यहां उतना मिल रहा था, वो बोलते हैं। क्वालिटी फीचर्स स्टाइल यूनिकनेस इस सब बेसिस पर जज करेंगे, इसको बोलते हैं शॉपिंग गुड्स आर कॉल्ड शॉपिंग गुड्स। क्लॉथ वॉच पर्स मोबाइल जब ये सब परचेस करते हैं ना तो हम देखते हैं, जैसे मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सैमसंग भी देख लिया, एलजी भी देख लिया, आईफोन भी देख लिया, वन प्लस भी देख लिया कि कौन सा मेरा अलग अलग फीचर्स है और कौन कौन सा चीज मेरा मैच कर रहा है, कितने सस्ते में कौन सा फोन मिल जा रहा है। उसके बाद है स्पेशलिटी गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपको थोड़े रिचर्स क्लास के लिए होते हैं, जैसे जैसे रिचर्स क्लास नहीं बोल सकते या फिर उसको बोलते हैं शोरूम्स वगैरह में अवेलेबल होते हैं बहुत फ्यू लोकेशंस में, जैसे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ये वाला चीज है ना, या फिर कोई वॉचेस की बात करें तो रोलेक्स की वॉचेज शोरूम्स की वॉचेज वो वाला चीज। कह रहा है गुड्स विच आर एसोसिएटेड विद अ ब्रांड नेम, जो ब्रांड नेम के साथ हो एंड प्रोवाइड सम यूनिक बेनिफिट्स आर कॉल्ड स्पेशलिटी गुड्स, जो कुछ यूनिक क्वालिटी यूनिक बेनिफिट्स दे उसको बोलते हैं क्या स्पेशलिटी गुड्स। कह रहा है स्पेशलिटी गुड्स आर एसोसिएटेड विद अ ब्रांड लॉयल कस्टमर्स, किसके साथ है ब्रांड लॉयल कस्टमर्स है, ऑब्वियस बात है जो जो एक बार आदत लग गया किसी को कि भाई मुझे ये फोन यूज करना वो ये यूज करता है, जो लॉयल कस्टमर होते हैं। फॉर स्पेशलिटी गुड कंज्यूमर मेक्स स्पेशल एफर्ट फॉर बाइंग देम, इसके लिए स्पेशल एफर्ट लगाते हैं। फॉर दीज गुड्स कंज्यूमर डोंट माइंड स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम और ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज खरीदनी अगर यहाँ नहीं है तो कहीं से भी खरीद के ले जाएंगे अगर वो लोग लेना चाह रहे हैं, तो दैट्स इट, इस तरह के वो कस्टमर होते हैं। फिर होता है एक होता है अनसॉट गुड्स, खरीदना ही नहीं चाह रहे कस्टमर, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं नहीं, कोई नहीं खरीदना चाहता। कह रहा देयर आर मेनी गुड्स अबाउट विच द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर एंड डोंट थिंक ऑफ बाइंग
दोज गुड्स इन द नॉर्मल कोर्स आर कॉल्ड अनसोल्ड गुड्स। जो वैसा गुड जिसको जानकारी भी नहीं और ना खरीदना चाहता है। कह रहा है अनसोल्ड गुड्स एग्जिस्ट इन द मार्केट बट कंज्यूमर्स आइदर आर नॉट अवेयर ऑफ देम एंड मे हैव द सम मिसकंसेप्शंस अबाउट देम और देयर यूजर और देयर इफेक्टिवनेस स्मॉग डिटेक्टर्स डिशवॉशर्स एटसेट्रा। तो इसके बारे में बोला भाई साहब या तो अवेयर नहीं है या तो अवेयर भी है तो फिर उसको खरीदना नहीं चाहता है। सिंपल एज सिंपल एज दैट। इसको बोलते हैं अनसोल्ड गुड्स। अब देखिए एक चार्ट बना हुआ है आपके स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। इसमें ना बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा और इस चार्ट को अगर आपने पढ़ लिया तो आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। आइए सबसे पहले क्या बोला, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। सबसे पहले मार्केट कंसिडरेशन किस बेस पर, कन्वीनियंस गुड शॉपिंग स्पेशलिटी और अनसॉर्ट। तो कस्टमर बाइंग बिहेवियर के बेस को देखा है, बोला फ्रीक्वेंट परचेज है यहाँ, यहाँ कम एफर्ट लिटिल एफर्ट लगाना पड़ता है, कोई प्लानिंग कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, लो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट रहता है क्योंकि कन्वीनियंस इजिली अवेलेबल हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है जी सर। उसके बाद है शॉपिंग। शॉपिंग मतलब लेस फ्रीक्वेंट परचेज, बोलता है थोड़ा लेस फ्रीक्वेंट परचेज, यहाँ फ्रीक्वेंट तुरंत परचेज कर लिया, यहाँ थोड़ा टाइम लगाता है। मच एफर्ट प्लानिंग इन कंपैरिजन ऑफ ब्रांड, क्योंकि फोन लेना है तो भाई ब्रांड देखे कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, थोड़ा टाइम लग गया। प्राइस पे बेस पर क्वालिटी और स्टाइल के बेस पर चेक करता है। स्पेशलिटी गुड्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस होता है यहाँ पे, है ना, लॉयलिटी होती है। स्पेशल परचेज एफर्ट होता है, लिटिल कंपैरिजन ऑफ ब्रांड, बहुत कम कंपैरिजन होता है क्योंकि जिसको बीएमडब्ल्यू में चलना है वो बीएमडब्ल्यू चलेगा, जिसको ऑडी पसंद है ऑडी में जाएगा, जिसको आईफोन पसंद है वो आईफोन ही खरीदेगा, दूसरा ब्रांड नहीं जाएगा। लो प्राइस सेंसिटिविटी, ठीक है। उसके बाद अनसॉर्ट गुड, बोल रहा है लिटिल प्रोडक्ट अवेयरनेस या नॉलेज और लिटिल इंटरेस्ट, ये अनसॉर्ट की बात कर रहा है। प्राइस देखिएगा, कन्वीनियंस गुड्स का लो प्राइस होता है, शॉपिंग का हाई होता हायर होता है, हाई नहीं हायर प्राइस, हायर मतलब कुछ चल सकता है, और स्पेशलिटी मतलब हाई प्राइस, और अनसॉर्ट वेरी करता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस की बात करें तो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर जगह आपको मिल जाएगा कन्वीनियंस गुड्स, कन्वीनियंस लोकेशन पे मिल जाएगा, आपके घर के बगल में नमक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शॉपिंग जो होता है वो सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब फ्यूअर आउटलेट्स होते हैं, बहुत सारे नहीं 10-20-50 आउटलेट्स मिल जाएंगे। स्पेशलिटी गुड्स एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक या दो या थोड़े कम आउटलेट्स इसके होते हैं और ये भी वेरी करता है अनसॉर्ट गुड्स का भी। प्रमोशन बोलता है ये मास प्रमोशन होता है, टीवी पर प्रमोशन हो रहा है साबुन निर्मा है छोड़ो निर्मा का प्रमोशन छोड़ दो यार, फिर साबुन है साबुन के, ठीक है मैगी का, ये सब का प्रमोशन होता है मास प्रमोशन। और शॉपिंग गुड्स में एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग होती है, ठीक है। और स्पेशलिटी गुड में मोस्ट केयरली टारगेटेड प्रमोशन होता है, वहां बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज की प्रमोशन नॉर्मल नहीं होती है। फिर एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, ये होता है अनसॉल्व गुड्स में इंश्योरेंस में। फिर एग्जांपल क्या दिया, देख लो दिए एग्जांपल दे दिया है, टूथपेस्ट मैगजीन डिटर्जेंट लॉन्ड्री, ये किसका कन्वीनियंस का, टेलीविजन फर्नीचर क्लोथिंग, ये किसका शॉपिंग का। लग्जरी गुड्स में रोलेक्स की वॉच डिजाइनर क्लोथिंग, मैंने भी रोलेक्स का एग्जांपल दिया था। और आपका अनसॉल्व गुड्स में लाइफ इंश्योरेंस एंड प्री प्लान्ड क्या फुल सर्विस। बात समझ में आई जी सर। तो ये क्या थी, ये थी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के टाइप्स, प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशंस, ठीक है जी। जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट मिक्स के साथ, है ना, और इसी तरह बने रहिएगा। हाँ एक बात बताना भूल गया कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहां हर दिन वीडियो डालते रहता हूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।